Hey guys, good morning. Welcome back to the vlog. और कैसे हैं आप सब लोग? सुबह उठने के बाद ना गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो बस कुछ कहना ही नहीं है। इतना सारा चना अंकुराने का कौन क्या जरूरत था बताओ? आप ही बोले ना चना 3 दिन से किया। हम बोले चना अंकुराने के लिए, तुम दी भी क्या? आप एक दिन भी खाए कल रात में ही बोले, खाली अब बोलते हैं उसके बाद ये खाया नहीं जाएगा ऐसे। अरे तो दो ना, डब्बा में दो आज पूरा हमको। पूरा कैसे खा लीजिएगा, पेट झड़ने लगेगा। अरे पूरा मतलब कि इसका एक पोर्शन दो ना आज मेरे को, डब्बा में रोटी वोटी मत दो, यही दो। इसका तड़का ही बनेगा। नहीं नहीं इसको दो ना तुम पहले, आज ये दे देना। देखो यार कितना अच्छा से अंकुरित हुआ है ना बाहर में। यही आप जाओगे तो आपको पाउच में थोड़ा थोड़ा पैकेट कुछ अच्छा खासा दाम पे ही मिलता होगा। आप लोग बताओ, अगर आप लोग को चाहिए तो हम इसको सप्लाई करते हैं, हमारे यहाँ बहुत बन के रखा हुआ है। ये देखो गाइस, मैं किचन में लग गई फटाफट सब्जी बनाने के लिए। सौरभ नहाने गए हैं और ये देखो, ये बना रही हूँ नेनुआ का सब्जी एकदम कम तेल में। चलो फटाफट इसको लगाती हूँ तड़का, क्योंकि लेट हो रहा है। क्या दे रही है? बेस्ट, बहुत सही, यही दो। और ये क्या है? क्या है ये? नेनुआ हमको मत देना, आप ही के लिए कर रहे हैं, एक रोटी के साथ एक पराठा। नहीं लेंगे। देखो जी, सौरभ का नाश्ता रेडी हो गया, सैंडविच। बहुत गर्मी है ना? बहुत ज़्यादा है। बाप रे, देखो एसी हाई कूल पे चल रहा है और सुबह का भी 9:15 हो रहा है और इतना तेज गर्मी है कि पूछो मत। पकड़ो, कहाँ पकड़ना, पकड़ो फिंगर, फिंगर आ रहा है ना। हाँ एक हाथ से पकड़ो, बस ऐसे दिखाओ। हाँ ऐसे पकड़ के बनाओ। चलो क्या कर रही सिंपी तुम? सिंपी हम तुम्हारे मम्मी, तुम क्या कर रही है? देखो क्या कर रहे हैं, सब सफाई कर रहे हैं बेटा। घर में इतना कचरा हो जाता है ना दोस्तों, ये झोला सब जो इकट्ठा करके हम लोग रखते हैं ना, ये कुछ काम आएगा? कभी कुछ काम नहीं आता है, जितने कचरा हो सब निकाल दो घर से बाहर। और हाँ, अब गाइस कुछ। हाय गाइस, देखिए गाइस, हम अभी सुबह उठ के क्या कर रहे, ब्रश किए, सैंडविच खाए हैं और बस हम लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब काम क्यों नहीं करे, क्योंकि घर सफाई होना चाहिए ना। कचरा तो निकलना चाहिए, कचरा तो निकलना ही चाहिए। और देखो मिक्सी, ये सब देखो गाइस, ये देखो, ये है, ये किस लिए मंगाई थी? अभी जा रही हूँ थोड़ा सा घर पोछा वोछा कर दूँ फटाफट से, क्योंकि तो लेट हो जाएगा। ऑलरेडी तो 10:30 बज चुका है, तो चलो काम करती हूँ फटाफट। रोज का है यही है यार, इतना गर्मी है ना, कहीं भी मतलब जा नहीं सकते हैं, कहीं भी जाने का मन हो रहा है ना। आज तो पहना दूंगी व्हाइट वाला ड्रेस। आज तो पहना दूंगी व्हाइट वाला लीफ। हाय गाइस, तो अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, आन्या भी खा रही है। क्या खा रही है बेटा? दही रोटी, दही और पराठा खा, मतलब रायता और पराठा खा रही है। और सेम मैं भी, वो भी वही खाना लेके बैठी हूँ, ये क्या बोलते हैं उसको, तरुई या झिंगी जो भी बोल लो, उसका सब्जी और पराठा और दही और गुड़। इसको खाली खाना, ये राम आने क्या तरीका है, वो दिखाओ। ऐसे कौन खाता है दही? हाँ दही की इतनी प्रेमियों की हाथ से चाट चाट के खा ली पूरा दही, और ले लो ना। देखो जैसे सौरभ नहीं खाते हैं नेनुआ कद्दू झिंगनी, वैसे देखो ये बेटी भी वही ऐसे। क्यों नहीं खाई सब्जी? हाँ सब्जी छुई तक नहीं है। यहाँ क्यों सोई हो, जमीन में नीचे? हाँ कहाँ है बताओ ना, यहाँ कहाँ लेटी है? गुस्सा आपकी, किस चीज का गुस्सा? क्या चीज का गुस्सा? हाँ बोलो, मैं जरा सा लेट क्या गई, तुम नीचे गुस्सा होके लेट गई? यहाँ लेटी है दोस्तों, कि मेरे से गुस्सा है बताओ। सॉरी,
क्योंकि हम क्यों लेट गए बताओ, मैं इतना सारा काम वाम करके 10-15 मिनट के लिए मैं सोची थोड़ा देर लेट लूँ। नाक ऐसे जाम ही है, पता नहीं क्यों ठीक नहीं हो रहा है जल्दी, ऐसे भी सर्दी ठीक नहीं होता है जल्दी, तो मैं थोड़ा लेट ही, मुझे नींद आ गया मतलब आधा घंटा के लिए, अभी शायद 6 बज रहा है, आई थिंक 6 बज रहा है, ये मतलब नीचे ज़मीन में गुस्सा होके पड़ी हुई है। एक्चुअली इसको गर्मी लग रहा है इसलिए लेटी हुई है, एसी चला रहे थे तो एसी से नाक जाम हो रहा है तो बंद कर दिए, फैन चल रहा है, और गुस्सा इसलिए भी है कि मुझे बाहर लेके चलो। मांग रही हो ग्लूकॉन-डी? तो अभी तुम दूध बोली, हम दूध गर्म कर दिए ना, दोनों चीज कैसे खाओगी मिक्स मैच करके? अरे हम बोल रहे कि एकदम अलग बोल रहे कि हम सच्ची बोल रहे, कट पहले दूध कट हो जाएगा, पहले दूध पीगे फिर तुम ग्लूकॉन-डी थोड़ी देर में पी लेंगे। ओके ठीक, बोले कट। अभी पानी पिए हैं मम्मी, बोले पानी भी पी लिए, ग्लूकॉन-डी भी मांग रही हो, दूध भी मांग रही हो, सब एक साथ कैसे पियोगी? देखो पीछे खड़े होके देख रही है मतलब इसको ना कि सब चीज एक साथ दे दो, ऑरेंज ग्लूकॉन-डी वाली आया क्यों है मम्मी, लेकर क्यों आई हो, जब लाई हो तो पिलाओ। हम बोले अरे बेटा हर चीज का टाइम होता है ना पीने का, और पता फ्रिज से निकाल निकाल के ना तुरंत तो वो घोल घोल के पी ले रही है, उसके कारण मतलब यही है ना, गर्मी लग रहा है तो उसमें प्रोटीन नहीं होता है, उसमें ग्लूकोज होता है। को मेरा इधर चाय भी बन रहा है, चाय भी दूध भी खोल गया, देखो गाइस मम्मी का चाय बन रहा है, आपका दूध अभी दूध, हाँ दूध और थोड़ा सा गर्म कर दो, थोड़ा अभी नीचे जाते हैं वॉक वॉक करके आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर में एकदम उमस जैसा हो रहा है, थोड़ा बाहर निकलते हैं वॉकिंग करेंगे, थोड़ा खेल लेंगे नीचे, इंजॉय कर लेंगे, चलो बाहर चलते हैं। सब इधर हुआ है, और देखो ये लड़की भागे निकली, आन्या आन्या, घर बाहर निकलते ना सारा एनर्जी यूज हो जाता है, घर पे इसको एकदम मन नहीं लगता है, आज देखो थोड़ा ठीक है, वेदर अच्छा हुआ है, तो चलो पार्क में बहुत सारे लोग देखो दिख रहे हैं। तो गाइस तो अभी हमारा थोड़ा गपशप हो गया, आन्या भी खेल ली, राजा तुम भी फ्रेम में, ये भी मेरी फ्रेंड है, मेरा ब्लॉग देखती है नहीं देखती तो देखना पूरा बहुत अच्छा ब्लॉग से देखती हो, चलो देखना सब्सक्राइब करना। तो चलो अभी तो फिलहाल थोड़ा हम लोग गपशप कर लिए और बच्चे भी खेल लिए, गर्मी बहुत है यार, पर आज मौसम अच्छा था ना, थोड़ा आज वेदर अच्छा था, आज ठीक है, हाँ नहीं तो फिर ये है ना कि थोड़ा हम लोग भी वॉक वॉक कर लेते हैं तो अच्छा लगता है, और ये मैडम मेरा ब्लॉग नहीं देखती है सामने हम इसको ये कर रहे हैं, कहती है ब्लॉग अच्छा, क्या बोली तुम फिर से बोली क्या बोली थी यार, मुझे देखो याद नहीं है, कोई बात नहीं, चलो वो हम ऐसे मतलब ऐसे फनी वे में बोले, गुस्सा मत यार मैं भी समझ रही हूँ चलो तो फिर चलते हैं खाने का डिसीजन लेते, कौन क्या बना रहा है, क्या बनाई और खाने ये ऑर्डर करेंगे तुम बनाना है यार जाके मेरा कुछ नहीं बना है, तो मैं सोची थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मांग लूँ कि दे दो सब्जी वब्जी कुछ नहीं बना, चले आने चले चले, देखो अभी इस लड़की, ओह सॉरी तुमको लगा क्या, नहीं ना इस लड़की का अभी भी मन नहीं भरा है, पर पता नहीं कब मन भरेगा, चलो गाइस घर चलते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ना एंट्री ना कुछ पता भी नहीं चला, हम अभी आपको कॉल कर रहे हैं, कहाँ है, कहाँ गए, देखो पापा पापा ऑलरेडी आके, जाओ पहले हाथ पैर धो, बाथरूम जाओ, जाओ बाथरूम जाओ पहले हाथ पैर धो, बोल रही है कि मेरा मन नहीं भरा, देखो मुंह कैसे लाल हो गया, देखो गर्मी से इसका, और कहती है कि मम्मी तुम मेरे लिए कुछ करती नहीं हो, हम 2 घंटे से खड़े हैं नीचे, मतलब घास पे बैठ भी गए थे, ऐसा नहीं है, गप भी कर रहे थे, बिरयानी खाएगी, मैं बोल रही हूँ पनीर पनीर का सब्जी बना रहे है ना, और रोटी हाँ बना लेंगे फटाफट, मेरा हिम्मत नहीं है, आपको कौन बोल रहा है, जैसे बोल रहे जैसे लग रहा है इन्हीं को खाना बनाना है, आप ही को बनाना है क्या, पनीर और चावल, एक अभी नीचे मेरी फ्रेंड से बात हो रहा था, वो भी बोली जाके हम ऑर्डर करेंगे खाना, हम बोले नहीं नहीं हम बिल्कुल बाहर का नहीं खाते हैं, हमको पछता नहीं है, हम अभी जाके घर पे बनाएंगे और वही काम अभी कर रहे हैं, अगर वो मेरा ब्लॉग देखेगी तो बोलेगी गाइस सुनो, अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है बाथरूम में, नहीं खुल रहा है तो रो रहे हैं, बाप रे डर गए अचानक हम उधर किचन में, क्या हो गया क्या हो गया, फ्रॉक नहीं खुल रहा है इसलिए रो रही थी, एकदम डरा देती ऐसे चिल्ला रही जैसे लग रहा है कि करंट वरेंट लग गया एकदम,
डर गए हम तो, हम खुद ही डर गए क्या हुआ क्या हुआ। जब सौरभ ऑफिस से आते हैं ना, आप आते हैं ना तो हाँ। और दिखाती है ज्यादा, मतलब जैसे लगता है कि वो हमको दिख रहा है। हम मेरे साथ नॉर्मल रहेगी एकदम, पर इनके साथ देखिए कि पापा है, मतलब बाथरूम में उसे फ्रॉक नहीं खुल रहा तो ऐसे चिल्ला के रो रही है जैसे लग रहा है क्या हो गया है। मतलब बच्चा लोग का बिहेव देखो, मम्मी के साथ कुछ और पापा के साथ कुछ और। अभी सिंपी कहाँ जा रही है, कहाँ क्या कपड़ा फिराने जा रही है? कपड़ा दिन भर इतना धूप रह रहा है ना कि कपड़ा डिसकलर हो जाएगा अगर फैला दिए तो। और आप फिर बोलते हैं ये क्या तरीका है, कलर इधर का उड़ गया, जैसे लगता है हम ही वॉशिंग मशीन में गोल गोल घूम के आधा कपड़ा का कलर उड़ा देते हैं, यही बोलते हैं ना। अभी कपड़ा डाल रहे हैं, डाल दो मतलब क्या आके कर नहीं सकते हैं कुछ, क्या आप आके तब से बैठे हुए तो यहाँ बैठ के एडिटिंग कौन करेगा बताओ? एडिटिंग करना मतलब हाथ तो बटा सकते है ना, बटा तो रहे हैं यहाँ पे एडिटिंग करके। यहाँ बटाने से क्या, यहाँ अच्छा हम कर देंगे ना, चलो कुछ नहीं करते हैं। खफा है मेरी बीवी से, अन्य मम्मी खफा है, जाके गाना सुना दो मम्मी को। यार ये बिरयानी जो ऑर्डर किए हुए हैं, 1 kg हमेशा बड़ा आता है, ये छोटा वाला बिरयानी है यार, एक बार देना कुछ काटने के लिए। जस्ट मत काटो मत, इसको आप यहीं रखिए, मैं बिल देखता हूं, बैग में बिल तो नहीं पड़ा। लेके आओ यार, बिना बिल के कैसे आ रहे हो आप? इसको खोलिएगा, जब तक नहीं खोल रहे हैं खोलिएगा, नहीं खोल रहे। बड़ा वाला जो है ना मेरे पास है, कट करो। ठीक है निकालो। ठीक है सर, थैंक यू। निकालो जरा, देखो यार 1 kg बिरयानी मंगाया हुआ है और देखो क्या साइज आया बिरयानी का, ये तो तुम्हारा गलौटी कबाब वेज हो गया। निकालो, अब देखो ये, देखो ये 1/2 kg का साइज है, और ये जो है ये पुराना हमने जब पहले मंगाया हुआ, ये देखो ये 1/2 kg और ये 1 kg, डिफरेंस यहीं पे दिख जाएगा, रखो ना। वजन हम पहले वजन क्या हो तो देख के ही पता चल रहा है, ये देखो लेके आए तभी हम बोले जाके देखिए 1/2 kg आया, ये 1/2 kg बिरयानी है जबकि 1 kg ऑर्डर किया हमने, ये है पुराना वाला जो हमने कभी 1 kg मंगाया हुआ था। और आप लोग जब ऑर्डर सुनो, अभी आया बिरयानी भाई किलो से कॉल, वो बोल रहा है 1/2 kg बिरयानी और फिरनी भेज रहा है, जोमेटो से ऑलरेडी 1 kg बिरयानी और वो गलौटी कबाब हो गया है, तो अब खा लो जितना खाना है। हाँ उतना ही भूख तो मरी गया यार, बहुत लेट हो गया। सिंपी बोनस मिल गया ये तो, ये फिरनी खिला दो, अन्या को खिलाओ यार, बच्ची बहुत देर से भूखी है। चलो सिंपी ये देखो, ये आया है बड़ा वाला 1 kg वाला, ये आ गया 1 kg वाला, देखो देखो भाई वेज गलौटी भी मंगाए हुए हैं, ये ऐसे नहीं फट जाएगा, बहुत अच्छा है ये पता दूसरा, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इतना अच्छा होगा, बहुत बढ़िया है गलौटी। और आप बोलेंगे बहुत सही मजा। हे गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग, और अभी मेरा एडिटिंग जो है वो भी हो गया कंप्लीट, और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे अंत। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो डू गिव इट अ थम्स अप, और चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं हम आपसे जल्दी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, बाय फॉर नाउ।